किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है। अब उन परेशानियों को हटाने के लिए मैं आपको चार रत्न दे रहा हूं। एक है लाजवर्द रत्न, एक है हीरा और एक है फिरोजा और एक है पांचमुखी रुद्राक्ष नेपाली। ये चार चीजें आपकी 50 या उससे ज्यादा परेशानियों का अंत तुरंत कर देंगी। 2650 रुपए में ये चारों ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित रत्न आप तक पहुंचाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन सिंह स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। 5 से लेकर 12 जुलाई तक का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूं। कुंभ राशि के लिए है यह जानकारी, चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं, वक्त बर्बाद ना करें, आपके सप्ताह के बारे में बात करते हैं। 5 से 12 जुलाई, सप्ताह के आरंभ में संकेत मिल रहे हैं कि पारिवारिक दायित्व, परिवार की जिम्मेदारियों को आप अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। पारिवारिक प्रगति के विषयों पर आप चर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे। सप्ताह के मध्य में दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ और सहयोग का आपको अनुभव होगा। आपके दोस्त रिश्तेदारों से, भाई बहन से, परिवार के सदस्यों से आपको हर प्रकार का सपोर्ट प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आकर्षण बना रहेगा। पर्यटन, घूमने फिरने की यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में संकेत मिल रहे हैं कि आप अपनी माँ के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करेंगे। वाहन इत्यादि घर में आ सकता है, वाहन के रख रखाव पर पैसा खर्च हो सकता है और घर के रख रखाव पर पैसा खर्च हो सकता है, सेहत पर पैसा खर्च हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ मानसिक परेशानियां रहते हुए आप खुश नहीं रह पाएंगे इस सप्ताह में। खुशियां आएंगी लेकिन फिर भी खुश नहीं रहेंगे। आपका मूड जो है बार बार परिवर्तन होगा, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको सलाह दूंगा कि आप कोई नया काम हाथ में ना लें, यात्रा कम से कम करें, जो काम कर रहे हैं उन्हीं को करते रहें, धैर्य बरकरार रखें। अनावश्यक मानसिक तनाव आप पर भारी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, टेंशन में सब काम बिगड़ जाएंगे। आप वक्त के साथ कुछ इम्यूनिटी बूस्टर की चीजें खाते रहिएगा, जिससे शरीर मजबूत होता रहे। आयुर्वेद या जो भी आपको अच्छा लगता हो उसका साथ और सहयोग ले। आपको सत्ता से यानी कि राजनीति में मान सम्मान मिलेगा। आपके पेट में कई रोग हो सकते हैं, उसके लिए दवाई वगैरह ले लें। काम करेंगे, बढ़िया करेंगे, तारीफ होगी। मेहमान अचानक आने से मूड खराब हो जाएगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। खेल जगत में कोई बढ़िया कामयाबी आपको मिल सकती है और कई बार कुछ ऐसे काम होंगे जो बिल्कुल बन रहे होंगे लेकिन अंत में अटक जाएंगे। बच्चों के सामने कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी छवि बिगड़े और परिवार का माहौल बिगड़े। समझदारी से काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपके जीवन में आ रही परेशानियों का अंत करना है अगर आप, तो इस सप्ताह में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। शनि की 7:30 भी चल रही है। आपको कोई प्रपोज कर सकता है, जिद ना करें, सेहत का ध्यान रखें, बारिश में ना जाएं, तेज गर्मी में न जाएं, लू से बचें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने काम ठीक से करते रहें, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, किसी को रोके टोके नहीं, और लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च ना करें और दिखावे की जिंदगी से बाहर आए। भगवान शिव की आराधना करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। हनुमान उपासना से भी लाभ होगा। अब देखिए, परेशानियां तो हैं इस सप्ताह में कुंभ राशि वालों को, अब दूर करने के लिए शिव का ये रुद्राक्ष नंबर एक। दूसरा, आपकी शनि की 7:30 काल सर्वदोष को दूर करने के लिए लाजवर्द। तीसरा, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए और दुखों को दूर करने के लिए एडी यानी अमेरिकन डायमंड, और ये आपका किस्मत का भाग्य का रत्न फिरोजा। ये चार रत्न जो आप स्क्रीन में साइड में देख रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन से कहते हैं ना, जैसे दुनिया अलट पलट हो जाएगी। कल जो दुख था वो सुख में बदल जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन में सुखों की बारिश चाहते हैं, सुखों का अंबार चाहते हैं, तो ये L6 लिखकर व्हाट्सएप करें। मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक बार ये आपके पास पहुंच गए और आपने इसको पहन लिया तो समझ लीजिए ये आपके जीवन का अनमोल गहना होंगे और आपके जीवन की वो तरक्की की चाबी होंगे जो आपको नित्य नई सफलता देते जाएंगे। अब आप कहेंगे कि क्या पत्थरों में इतनी ताकत होती है? क्या पत्थर
एक इंसान की इतनी खराब किस्मत को भी बदल सकते हैं? जी हाँ, पत्थर में बहुत ताकत होती है। पत्थर में अगर ताकत नहीं होती तो वो पत्थर से क्या बनता है? चट्टान। और चट्टान को हिलाना किसी इंसान के बस में नहीं है, तो आप भी मजबूत हो जाएंगे। चट्टान भी तो पत्थर ही होती है ना, और जब हवाएं तेज चलती हैं तो चट्टान वहीं की वहीं रहती है, हवा को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, चट्टाने अपना रास्ता नहीं बदलती। इसलिए चार रत्न आपको चट्टान की तरीके से मजबूत कर देंगे। उन लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि क्या पत्थर भी जिंदगी में असर डालते हैं, तो बिल्कुल असर डालते हैं। आप चट्टान की तरीके से मजबूत हो जाएंगे, जहां पर आप होंगे वहां पर आप ही होंगे, और बाकी लोगों को साइड से जाना पड़ेगा। L6 लिखकर व्हाट्सएप करेंगे तो चट्टान की तरीके से मजबूत हो जाएंगे, नहीं तो हर आने जाने वाली छोटी मोटी हवा आपको हिलाकर इधर उधर कर देगी और आप गिरे पड़े होंगे। लोग आपकी छाती पर पैर रख के सफलता पा लेंगे और आप पछताते रहेंगे। तो L6 लिखिए, व्हाट्सएप करिए और सफलता पाइए। सिर्फ इतना कहूंगा। नमस्कार।